हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा देखिए, बात करेंगे ये वीडियो में ग्राउंड्स की, ग्राउंड साइज़ की, पिच बिहेवियर की, एवरेज स्कोर की और होम ग्राउंड की। और ग्राउंड कौन से साइड फेवर ज़्यादा करता, फर्स्ट वेट या सेकंड वेट, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ग्राउंड है लॉर्ड्स का ग्राउंड है। सब इस ग्राउंड को अच्छे से जानते हैं, यहाँ काफ़ी सारे नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी सारे मैचेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राउंड साइज़ की। ग्राउंड साइज जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ग्राउंड साइज बड़ा है। T20 के हिसाब से ग्राउंड साइज बड़ा है। अब बात करते हैं पिच की। देखिए, यहाँ लॉर्ड्स में जब भी मैचेस होंगे, यहाँ की फ्लैट पिच है और फ्लैट पिच के साथ आपको ग्रास या घास देखने मिल सकती है, दोनों टाइप की, हरी या सूखी, दोनों टाइप की। जब भी ऐसी पिचेस होती है, दो धारी तलवार होती है, बैटर अच्छे तो उनके साइड, बॉलर अच्छे तो उनके साइड, जब भी इस ग्राउंड में हो तो रन ऑन बोर्ड जरूर देख लेने। अब बात करते हैं ग्राउंड के एवरेज स्कोर की। दौड़स का एवरेज स्कोर खास करके T20 ब्लास्ट की बातें करो, T20 ब्लास्ट में 160-170 के बीच में ही रहता, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, एवरेज स्कोर को पकड़ के नहीं चलना। अब बात करते हैं ग्राउंड कौन से साइड को ज़्यादा सपोर्ट करते। ग्राउंड फर्स्ट बैट पर जो भी टीम आती उसको फेवर ज़्यादा करता। ठीक है, अब बात करते हैं होम ग्राउंड। देखिए, लॉर्ड्स का ग्राउंड T20 ब्लास्ट में किसी भी टीम का होम ग्राउंड नहीं है, समझिए सब टीमों का ये अवे ग्राउंड है। किसी भी टीम को होम ग्राउंड लॉर्ड्स नहीं दिया गया। ठीक है, बाकी जिस भी टीम का जो भी होम ग्राउंड होगा वो मैं सजेस्ट करते रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।